नमस्कार, मैं हर्षवर्धन पीपल्स टाइम से। आज हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक बहुत ही पॉपुलर नाम सिंगर रैपर एक्टर मिलिंद गाबा जी का, और आइए मिलते हैं इनके मैनेजमेंट टीम से एसकेडी फिल्म प्रोडक्शन से आकाश जरिया जी से और इवेंट देखो से मिस्टर राहुल जी से। देखिए क्या है कि मैं जब मुंबई से रिटर्न हुआ था 2015 में, तो मेरा एक मोटो था कि हम यहाँ के भी बच्चों को आगे उठाएं, जो मेरा हमेशा से रहा। मैं कई गरीब बच्चों को भी इसकी फीस नहीं लेता हूँ, तो मॉडलिंग की दुनिया हो गई। देखो मेरा ये मानना है कि जैसे हर बच्चे जैसे कई पढ़ाई में नहीं हो पाते, तो यहाँ भी एक अपना करियर बना सकते हैं। मीडिया लाइन है, डायरेक्शन है, सिंगिंग है, लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसी तहत मैंने बहुत छोटे पैमाने पे यहाँ काम चालू किया, और मैंने हमेशा देखा है कि स्टोरी में कोई स्टार जरूरी नहीं है। एक हमेशा क्या होना चाहिए कि मान के चाहिए कि हमारी स्टोरी किंग होती है, जो एक इंसान को स्टार बनाती है। तो मुझे शॉर्ट फिल्म बहुत पसंद थी, अनुराग कश्यप की बहुत मूवी देखता था, तो इस हिसाब से मैंने कई छोटी 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 मूवी बनाते गई, और कभी ये नहीं था कि कभी भी हिस्ट्री बन जाती है। तो वो एक लेवल, कभी इंटरनेशनल मिल गया, कई अवार्ड मिल गया, जैसे इलेक्ट्रिक पिया है, बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर हमारे छत्तीसगढ़ से ही है मयंक पवार जी, तो उन्होंने लिखी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने हडन कर दिया। तो ऐसे कई हमने मूवी कई, अभी हमने डॉक्यूमेंट्रीज किया, रेलवे के लिए काम किया, मतलब बहुत काम किया। लेकिन अभी जो ये जो चीज़ें मैंने फुल ऑन एंटरटेनमेंट इसलिए आने के लिए बोला कि हम जैसे चाह रहे थे कि यूथ को क्या पसंद है, क्योंकि एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट तो ज़रूरी है। तो अब हमने सोचा यार, प्लानिंग किया कि कुछ हट के किया जाए। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग हैं जैसे यहाँ पर आज इस फील्ड पे काम कर रहे, तो इसी बहाने हमने राहुल जी को बोला कि कुछ ज़बरदस्त किया जाए, कुछ तहलका किया जाए। और बस वही था कि अब ये जो हमारा दिवाली महाउत्सव हो रहा है, इसकी बहुत उम्मीदें और बहुत एक्साइटेड है कि हमें मतलब तो पूरा 24 आवर्स लगे हुए इस काम पे। जी जरूर, मिलिंद गाबा जी नाम ही काफ़ी है वैसे बोलने के लिए यंगस्टर्स के बीच में। हम सभी देखते हैं कि मिलिंद गाबा जी यंगस्टर्स के बीच में बहुत ही फेमस रहते हैं। आइए राहुल जी से पूछते हैं, कोई एकाक गाने के बारे में बात करते हैं उनसे। बताइए राहुल जी, मिलिंद गाबा जी हैं, ठीक है, उनके 2-3 गाने हैं, कलेश करूंगा करके हैं, ठीक है, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं वो, ठीक है। उनने जब काम करना चालू करा था, ठीक है, अपने स्टूडेंट लाइफ के से, उनका जब वो कॉलेज में था, जब वो सिर्फ यूट्यूब से जनरेट उनने अपना सॉन्ग करा था, ठीक है, वहाँ से आज बस 2 साल के अंदर अंदर आज वो इतने बॉलीवुड में नामी सिंगर बन चुके हैं कि स्टूडेंट्स और टीनेजर्स के अंदर बहुत अच्छा उनका दिल बसाया उनने। जैसे कि राहुल जी, हम जानते हैं कि eventdekho.com एक अच्छे कॉज के लिए भी जाती है। हमने सुना है या अपने रिसर्च से पता किया है कि कोई बच्ची होती है, कोई लड़कियां होती हैं, है ना, निर्धन छात्र होती हैं, उनको आप लेते हैं और पहली से लेकर 12वीं तक उनको पूरा साक्षरता अभियान के थ्रू अब अपने लेवल पर उनको एक साक्षरता और लिटरेसी को बढ़ाने के लिए उनकी मदद करते हैं। तो ये संस्था आपके थ्रू ही होता है सर? ये संस्था मेरे थ्रू ही होता है, ठीक है, और अभी तक मैं 4 बार डोनेशन कर चुका हूँ एंड आगे भी मैं करता रहूँगा, ठीक है। आज बिलासपुर में मैं ये कर रहा हूँ, राजस्थान में मैं कर चुका हूँ, गुजरात में मैं कर चुका हूँ, दिल्ली में मैं कर चुका हूँ, नोएडा में मैं कर चुका हूँ। मैंने सोचा कि अब देखा जाए बिलासपुर में भी करा जाए, बिकॉज ये मेरा होम टाउन है, मैं होम टाउन के लिए कुछ करूँ। तो दोस्तों, जहाँ तक हम लोगों ने बात किया राहुल जी से, आकाश जहरिया जी से, जो कि मिलिंद गाबा जी 4 तारीख को दिवाली के कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले आने वाले हैं, तो सभी यंगस्टर तैयार हो जाइए झूमने के लिए, नाचने के लिए, और हम कहते हैं अलविदा आज के लिए, और मिलिंद गाबा जी के एक सुंदर से गाने के साथ, अकेली न बाजार जाया करो, करेंगे दारू पार्टी। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.